मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जायसवाल फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। नीति आयोग ने जो हमको एलोपैथ मेडिसिन चाहे क्रोसिन हो चाहे कुछ भी ABCD हो उस पर जो बैन लगाने जा रही है, आज के डेट में सरकार की जितनी भी नीतियां हैं प्राइमरी लेवल पर CSC हो चाहे PSC हो, वहाँ पर आज आयुष के डॉक्टर ही काम करते हैं। वहाँ पर आयुर्वेद की पूर्ण रूपेण मेडिसिन नहीं होती है, वहाँ पर एलोपैथ की मेडिसिन ही होती है, आयुर्वेद की मेडिसिन दोनों मिलाकर देना पड़ता है। सरकार की जो आपने अभी 2025 तक तपेदिक को भारत सरकार दूर करना चाहती है, उसकी एक भी आयुर्वेद मेडिसिन जो है वो अलग है, एलोपैथ मेडिसिन अलग है। हमको आज वो ट्रेंड करते हैं कि आप ये मेडिसिन आप इसमें दो, वहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर के हमको जो है हायर सेंटर पर भेजो। आज तपेदिक की बात आ रही है और आपके पोलियो का आ रहा है, जितने भी ये कम्युनिटी मेडिसिन की बात हो रही है, डिजीजेज की बात हो रही है, सरकार के द्वारा आज हम लोअर ग्रेड में जो हम काम कर रहे हैं वो टोटल काम हमारे द्वारा होता है। यदि ये बैन करते हैं नीति आयोग में, हम टोटल बैन हो जाएंगे, हम एक मेडिसिन भी नहीं ले सकते, आधिकारिक रूप से हमारे ऊपर केस होगा, हमको PSC CSC में बैठाएंगे, हम एक भी काम नहीं करेंगे। आप क्या कराओगे फिर? आपकी नीति क्या करेगी? आपका जो उद्देश्य वो पूर्ण नहीं होगा, फिर हमको अलग क्यों कर रहे हो? हम जो इतने दिन से हम काम करते हुए आ रहे हैं आपके साथ, आपका कम से कम 70% काम हम ग्रामीण का जितना है लोअर ग्रेड की जितना भी आपके सेंटर्स हैं सरकारी, जितने 70% कम से कम काम ये जो आयुष के डॉक्टर ये करके देते हैं। हायर ग्रेड में तो बैठे बैठे नोट लेने के लिए वो बैठे हैं, सैलरी लेते हैं बस, गांव में जाकर काम करने को तैयार नहीं है। तो लोअर ग्रेड के लोगों को आप फॉरवर्ड कैसे करोगे? एक सिस्टम होता है PSC CSC, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके बाद जो है जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है सरकार को, वहाँ जाता है पेशेंट। यदि हम प्राइमरी लेवल पर ही काम नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? आप वहीं हमको बंधन में डाल रहे हो। आप कल को हमारे ऊपर केस करोगे, हम लिखेंगे ही नहीं दवाई, आपका पोलियो का ड्राफ्ट देंगे नहीं, आपका जो वैक्सीनेशन है देंगे नहीं हम, आपकी ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन है आयरप इफेमसिन है रिमेमसिन है आइसोनियाजाइड पायर, ये जो मेडिसिंस हैं इनको हम लिखेंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, हम अपने हाथ से क्यों दें? हम अपने ऊपर केस करेंगे क्या? आप ही एक फ़ोटो खींच लोगे देते वक्त, बोले इन्होंने तो ये मेडिसिन दे रहे थे, इनके ऊपर केस करो, तो हम क्यों करेंगे ऐसा? तो आपका खुद ही सिस्टम फेल होगा, आप फिर रोओगे, फिर बोलोगे एक नीति फिर बनाओ। डॉक्टर साहब, एक इन्होंने एक योजना और चालू की है कि जो डॉक्टर जहाँ प्रैक्टिस करते हैं जिस बीमारी की दवाई देनी चाहिए और जो हॉस्पिटल के अंदर वो अवेलेबल नहीं होती, अगर बाहर से लिख दी जाती है तो वो डॉक्टर पे भी मतलब एक केस वेस करने। सरकारी नीति है, सरकार के जितने अपॉइंटेड डॉक्टर्स हैं सरकार ने उन्होंने उनको बंधन में डाला है कि बाहर के कमीशन खोरी बंद हो, बाहर से लिखने या बाहर से पैथोलॉजी का काम करा करके कमीशन खोरी बंद हो, जो कि हमारे सेंटर पर खुद उपलब्ध है, उस चीज़ को क्यों नहीं करवाते हो आप? ये चीज़ें इसलिए उस तरह का बंधन डाला जा रहा है कि आपके आपके सेंटर में जितनी मेडिसिन हो उसको लिखो, यदि मेडिसिन नहीं है तो आपका हायर जो स्पेशलिस्ट है या HOD है उसको आप इन्फॉर्म करो कि ये मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, आप इस मेडिसिन को उपलब्ध करवाओ, क्योंकि इसकी आज की ज़रूरत है, क्योंकि आज मलेरिया फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, इसमें जो कुछ कॉमन मेडिसिन लग रही हैं आप सेंटर पर नहीं होगा तो आप दोगे क्या? मजबूरी है, आपको ज़्यादा तकलीफ है, बाहर का लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर बंधन कर रहे हो, तो या तो वो मेडिसिन हमको उपलब्ध कराओ जी, यदि नहीं होगा तो कहाँ क्या देगा वो व्यक्ति? कागज़ पकड़ाएगा क्या? कोरा कागज़ तो लिखेगा नहीं, नाम पता लिखेगा, उम्र लिखेगा, रोग लिखेगा, कंप्लेन लिखेगा, उसके हिसाब से दवाई लिखेगा, तो वो दवाई भी तो सेंटर में उपलब्ध होना चाहिए जो सरकार के सेंटर चल रहे हैं। सरकार बोलती है बचाओ मरीजों को, पहले मरीज को कैसे बचाओगे आप? एक मिनट सर, मरीज को कैसे बचाओगे? आपको प्राइमरी कंडीशन में आपका हार्ट अटैक हुआ या इस्मिक डिजीज हुई, कार्डियक इस्मिक डिजीज हुई, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है आपको सल्सिलिक एसिड देना है। आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि इस तरह का कंडीशन है, दो गोली, एक गोली, डेढ़ गोली जो है डिस्प्रिन की गोली तुरंत उसको दो, CPR कर दो। ये प्राइमरी, यदि हम डिस्प्रिन नहीं देंगे तो CPR करके क्या उसका जान बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि उसको ब्लड थिनर चाहिए, थ्रम्बोलाइज करने वाली मेडिसिन चाहिए, तो थ्रम्बोलाइज करने का वैक्सीन है जो इंजेक्शन देना है वो तो हॉस्पिटल में होना, ICU में होना है, बाहर तो होना नहीं है, लेकिन प्राइमरी तो डिस्प्रिन देना पड़ेगा। यदि आप डिस्प्रिन पर हमारे ऊपर बैन, हमारे हाथ पर ताला लगा दोगे, हम डिस्प्रिन देंगे नहीं, आदमी जो 10 घंटा जीना हो एक घंटे में मर जाएगा। विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और वहाँ पर रह के हमने सारे एलोपैथी के काम किए हैं,
अगर हमारी डिग्री मान्य नहीं है तो हमसे फिर पोलियोमाइलिटिस के काम क्यों करा है, टीकाकरण क्यों कराते हो, टीबी की दवाइयाँ क्यों दिलवाते हो। सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी जो फौज मिली है उसका फायदा लें। सरकार के पास डॉक्टर वैसे ही कम है, उस कमी को पूर्ति करने के लिए अगर हमारे इतने डॉक्टर साहब को अवेलेबल हैं तो सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए कि विरोध में रहना नहीं। सरकार को एक पॉजिटिव एटीट्यूड सरकार का ये होना चाहिए कि जितने भी हमारे जो जो आज हड़ताल कर रहे हैं या करने को मजबूर हो रहे हैं इनका उपयोग करो, इनको आप जनता में भेजो, जनता में भेज के इनसे आप अपने सारे हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाओ। हम लोग इस बात क्यों मना करते हो आप क्यों? अगर आपने यहाँ जो धरना प्रदर्शन दिया अगर आपकी बातों को नहीं माना जाएगा तो आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? आगामी योजना प्रदर्शन और आगे आगे जारी रखेंगे हम तो भाई, अंतिम अंतिम बिंदु तक लड़ेंगे। शुरुआत है अब, हम तो जो है 60-65 साल के हो गए, हमारे जूनियर्स आ रहे हैं उनके उनको हम आगे आगे करेंगे। हमने आपको पहले ही कहा है कि हम तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमारा कोई काम नहीं, अब हम जो है चले भी जाएं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे पीछे जो फौज आ रही है उसका उपयोग सरकार को करना चाहिए, ये हमारा कहना है। सरकार को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, आंदोलन का विरोध नहीं करना चाहिए, बुला के बात करनी चाहिए उनको। थैंक यू। Oh, I'm going to go to the hospital.
वीडियो बड़ा बड़ा है।